भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 42वें अंक में ये हॉल नंबर 5 के पास हम हैं, 4-5 ये अगल बगल स्टॉल हैं, ग्राउंड फ्लोर पे हैं और यहाँ पर हमें नई पीढ़ी के बच्चे दिखाई दिए, तो पॉजिटिव मीडिया जो है वो इनसे बातचीत करने के लिए और जो इनके हेड हैं जो लेकर आए हैं क्या पर्पस है इस मेले को देखने का वो हम पॉजिटिव मीडिया के लिए जानना चाहेंगे। जी बताएं। जी मैं अखंड प्रताप सिंह हूँ, फैकल्टी हूँ दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में। ये छात्र जो हैं हमारे BBA BFSI के स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए यहाँ पे SEBI ने ऑर्गेनाइज़ कराया था हॉल नंबर 5 में, जहाँ पे वर्कशॉप कराई गई SEBI के बारे में, फिनेंशियल लिटरेसी के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में जानकारी दी गई, जिससे बच्चे बहुत प्रभावित हुए। इन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया और ये भारत के भविष्य हैं, तो हम लोग ने चाहा कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान बढ़ सके, इसलिए हम इनको लेके यहाँ पे आए थे। जी, क्या कुछ सीखा इन लोगों ने यहाँ, देखा क्या? देखा क्या बताइए आप, बताइए क्या देखा जी? ये मुस्कान बनाए रखिए पूरी ज़िंदगी, ताउम्र। बिल्कुल बताइए। हम तो इनवाइट पे, स्पेशल इनविटेशन से आए थे हमने हम जिस पर्पज़ से आए थे उन्होंने हमें बुलाया, उन्होंने हमें नॉलेज दी ट्रेडिंग क्या होता है। तो हमारे दर्शकों को भी वो नॉलेज दीजिए, बहुत बड़ी नॉलेज है, दर्शक को देना पॉसिबल नहीं है। स्किल डेवलपमेंट का उन्होंने, कौशल विकास का नहीं, उन्होंने उनका मोर फोकस ऐसा था कि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है तो आजकल के यूथ को उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मोर ओवर इन्वेस्टमेंट के ऊपर था ये, इन्वेस्टमेंट के ऊपर था। और उसमें ये बताया गया कि जैसे भारत जो है ये बहुत ही प्रगतिशील देश है और आज के समय में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो पहले सीखिए इन्वेस्ट कैसे किया जाता है और उसको आज के समय में आज से ही शुरू करिए, और क्योंकि आने वाले समय में जो चीज़ें भारत देख रहा है, मतलब जितना प्रगतिशील भारत है, जो चीज़ पहले अमेरिका था, UK था, आज वैसा भारत होने वाला है और हो रहा है, तो इसलिए हम लोगों को बताया गया कि आप इन्वेस्ट करना सीखिए और उसको भारत में इन्वेस्ट करिए, और इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्किल। सो हमारे यहाँ जो BBA BFSI के स्टूडेंट्स हैं वो जनरली उनको ये ट्रेडिंग्स और बैंकिंग के बारे में ही पढ़ाया जाता है, इसलिए इनके लिए यहाँ पे एक वर्कशॉप कंडक्ट कराई गई। सभी स्टूडेंट जो हैं वो एक ही इंस्टीट्यूट के हैं? जी जी, सब दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, कोर्स इनका BBA BFSI। जी हाँ, महिला शक्ति के बिना किसी विकास की कल्पना नहीं की जा सकती, ये आप लोग भी सहमत हैं इस बात से, तो आइए, एक महिला युवती हैं और इनके क्या विचार हैं आज बदलते युग में, आपने क्या महसूस किया ट्रेड फेयर में? मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके, काफ़ी कुछ जानने को मिला और सीखने को भी मिला, और ये जो वर्कशॉप थी बेसिकली इन्वेस्टमेंट को लेकर थी जो कि गर्ल्स को भी करनी चाहिए मेरा ये मानना है, और बॉयज़ तो करते ही हैं, उनकी नॉलेज ज़्यादा होती है इस चीज़ में, लेकिन गर्ल्स को भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो क्या कुछ सीखा यहाँ ट्रेड फेयर में? सीखा, यही सीखा कि इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, और मतलब स्टार्टिंग में आपको यही एज है जो आपको इस एज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और अपने मतलब फंड्स जो आप मतलब वेस्ट कर देते हो इस एज में उसको यूटिलाइज करना चाहिए। तो किस चीज़ में आप इन्वेस्ट करेंगी, व्यापार कैसे खड़ी करेंगी, स्टार्टअप कैसे करेंगी? बेसिकली इनने अभी हमें यही बोला कि इक्विटी या फिर गोल्ड में आप कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद अपने अपने विचार देते हुए ट्रेड फेयर में। ये भारत के भविष्य युवा जो हैं जिनके कंधों पर भारत को विकसित बनाने का है, और क्या मुस्कान के साथ ये घूम रहे हैं, तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ये अवसर देता है हर वर्ग आयु वर्ग के लोगों को सीखने का, जानने का और अपना भविष्य संवारने का। तो RJS पॉजिटिव मीडिया, RJS पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस, RJS PBH पॉडकास्ट के द्वारा प्रगति मैदान में हर साल की तरह इस साल भी अलग अलग लोगों से अलग अलग विषयों पर पॉजिटिव मीडिया बातचीत कर ली है। ओनली पॉजिटिविटी, नो नेगेटिविटी। जय हिंद, जय भारत।